Little learners. I'm Nabila Bashir and I welcome आई एम नबीला बशीर एंड आई वेलकम यू टू geography पब्लिशर्स रीडिफाइनिंग द digital ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल Dear स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम Gohar Grace इंग्लिश नर्सरी एज फोर प्लस का पेज नंबर 54 और 55 करने वाले हैं और हम सीखेंगे एक न्यू लेटर और वो है लेटर एस ओके okay, स्टूडेंट्स तो ये है पेज नंबर 54 और हम सीखने वाले हैं लेटर एस के बारे में ये है हमारा लेटर एस इसको कहते हैं कैपिटल एस और ये है हमारा स्मॉल एस यानी इस लेटर का साउंड कौन सा लेटर है ये लेटर एस और ये है इसका साउंड अच्छा इसका साउंड भी बहुत इंटरेस्टिंग है आपने क्या करना है आपने यानी अपने दांतों को बंद कर लेना है और जुबान में से थोड़ी सी आवाज बाहर निकालनी है एस द स्नेक सेज आपने सुना होगा कि सांप की आवाज़ कैसी होती है बिल्कुल एस का साउंड भी बिल्कुल ऐसा होता है अब हम ये देखने वाले हैं कि इस पिक्चर में हमें लेटर एस के बारे में कौन कौन से वर्ड्स मिल रहे हैं ओके okay, ये एक बहुत ही प्यारी सी पिक्चर है और यहाँ पे हमें कुछ ट्रीज नज़र आ रहे हैं बैकग्राउंड में कुछ क्लाउड्स हैं ब्लू स्काई है और स्काई पे एक बहुत ही येलो ब्राइट येलो सन है व्हाट इज़ इट सन 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 ओके सन क्या करता है सन हमें लाइट देता है और ये मॉर्निंग में आता है और इवनिंग में चला जाता है यानी कहीं छुप जाता है तो सन का कलर क्या है येलो आपको पता है कि येलो जो है येलो इज द कलर ऑफ हैप्पीनेस क्योंकि जब सन आता है और हम सब हैप्पी हो जाते हैं उसके बाद हम देखेंगे ये है स्नेक क्या है ये स्नेक व्हाट इज द कलर ऑफ स्नेक इट्स ग्रीन एंड देर आर सम ब्लैक पैचे उसके ऊपर कुछ ब्लैक पैचेस भी हैं और आपको पता है कि स्नैक बहुत डेंजरस होता है इट्स अ डेंजरस एनिमल और ये क्रॉल करता है क्या करता है क्रॉल करता है यानी इसकी लेग्स नहीं होती ये अपनी बॉडी के साथ अर्थ पे ग्राउंड पे क्रॉल करता है इट्स अ स्नेक स्नेक और स्नेक के सामने एक स्नेल नज़र आ रहा है क्या है ये स्नेल 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 भी एक एनिमल है यानी एक छोटा सा एनिमल है और आपको पता है स्नेल भी क्रॉलिंग करता है जैसे अभी मैंने बताया कि स्नेक क्रॉल करता है इसी तरह स्नेल भी जो है वो क्रॉल करता है अब ये देखिए इसकी जो बॉडी है वो बहुत स्टिकी होती है क्या आपने कभी रियल में कोई स्नेल देखा है अगर आप उसको होल्ड करें और उसको अपने पाम पे रखें और उसको ऑब्जर्व करें कि वो क्रॉल कर रहा है तो वो बहुत स्टिकी होता है और बहुत स्लो वॉक करता है ये तो इस पेज पे हमें एस से क्या नज़र आ रहा है एस सन एस स्नेक एस स्नेल। ओके इसके अलावा से क्या बनता है ये देखें मुझे यहाँ पे एक छोटी सी स्पैरो नजर आ रही है क्या किसी ने ऑब्जर्व किया था कि हम यहाँ पे छोटी सी स्पैरो नजर आ रही है तो स्पैरो भी किससे बनता है स्पैरो स्पैरो ओके स्पैरो इज अ बर्ड क्योंकि वो देखें वो ट्री के ऊपर बैठा हुआ है और द तो स्पैरो इज रेडी टू फ्लाई उसने अपने विंग्स जो हैं वो फैदर जो है वो ओपन किए हुए हैं और वो फ्लाई करने वाली है अब हम करेंगे ट्रेसिंग ट्रेस द लेटर विद योर फ़िंगर और लेटर एस की ट्रेसिंग बहुत ईजी है आपने क्या करना है जस्ट इस एरो को फॉलो करना है ये जो पिंक एरो है इसको हम फॉलो करेंगे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जस्ट मेक अ खर्व लाइन इट्स अ खर्ली लाइन अ खर्ड लाइन और खर्व लाइन ओके और स्मॉल एस भी बिल्कुल कैपिटल एस जैसा होता है हमने एक खर्ड लाइन बनानी है और खर्व लाइन तो ये बन गया हमारा एस कैपिटल एंड स्मॉल अब हम चलते हैं टीचर्स नोट की तरफ टीचर्स नोट इनकरेज चिल्ड्रन टू शेयर इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग एंड मेक दैम कंफर्टेबल दैट इट्स ओके टू मेक अ मिस्टेक ओके अब हम आगे हैं पेज 55 पे और पेज 55 पे हम करने वाले हैं ट्रेसिंग ट्रेस द लेटर एस एंड यानी कैपिटल एंड स्मॉल और जैसे कि अब तो आपको बिल्कुल याद हो गया होगा कि जो कैपिटल एस है यानी जो कैपिटल लेटर्स हैं वो सारे फर्स्ट थ्री लाइन्स पे लिखे जाते हैं और इस एस को भी हम फर्स्ट थ्री लाइन्स पे लिखेंगे तो हम इस जो बोल्ड डॉट आपको नजर आ रहा है इस पे पेंसिल रखेंगे और डॉट्स को स्लोली 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 आपस में ज्वाइन करते जाएंगे और ये बन गया हमारा कैपिटल एस अब हम बात करेंगे स्मॉल एस के बारे में ये देखें फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जो स्मॉल एस है वो है ग्रास लेटर क्या है ग्रास लेटर है और जितने भी ग्रास लेटर्स हैं उनको हम सेंटर टू लाइंस में लिखते हैं कहाँ लिखते हैं सेंटर टू लाइंस में तो हम इस एस को भी सेंटर टू लाइंस के अंदर लिखेंगे जस्ट पुट योर पेंसिल ऑन द डॉट एंड द डॉट्स इट्स योर स्मॉल एस स्मॉल एस क्या है ग्रास लेटर है तो आपने हमेशा याद रखना है कि स्मॉल एस को आपने विद इन टू लाइन्स लिखना है यानी इन सेंटर टू लाइन्स के अंदर अंदर लिखना है और बाहर नहीं निकालना और इस तरह से आप कैपिटल और स्मॉल लेटर की ट्रेसिंग को कंप्लीट कर लेंगे नाउ वी आर गोइंग टू डू द एक्टिविटी टिक द पिक्चर दैट स्टार्ट विद एस हमारे पास बहुत सारी पिक्चर्स हैं और हमने सिर्फ उस पिक्चर को टिक करना है जो लेटर एस से स्टार्ट हो रही है तो चलिए देखते हैं कि एस से कौन कौन सी पिक्चर स्टार्ट हो रही है फर्स्ट पिक्चर है वेरी हैप्पी सन सन इज वेरी हैप्पी ओके तो सन इज स्टार्टिंग विद साउंड वेरी गुड एस से स्टार्ट हो रहा है तो इसको हम टिक कर देंगे अब नेक्स्ट पिक्चर को देखें इट्स अ रैबिट इट्स अ रैबिट रैबिट कौन से लेटर से स्टार्ट हो रहा है आर से तो इसको हम टिक नहीं करेंगे और ये देखें ये क्या है इट्स अ स्नेल इट्स अ स्नेल और स्नेल स्टार्ट हो रहा है एस से तो इसको भी हम क्या करेंगे टिक कर लेंगे उसके बाद ये देखें ये है बेड और बेड के ऊपर हमें क्या नजर आ रहा है क्विल्ट नजर आ रही है तो बेड और क्विल्ट दोनों ही एस से स्टार्ट नहीं हो रहे हम इसको टिक नहीं करेंगे उसके बाद देखें ओ मई गॉड अ वेरी डेंजरस स्नेक तो स्नेक को टिक करेंगे क्योंकि स्नेक जो है वो किससे स्टार्ट होता है एस से स्टार्ट होता है दैट्स राइट सो लास्ट इज राइनो तो राइनो को हम टिक करेंगे बिल्कुल नहीं क्योंकि राइनो स्टार्ट हो रहा है आर से तो इसको हम टिक नहीं करने वाले हमने किस किस पिक्चर को टिक किया है सन को, को को। को स्नेल को, और इस इस तरह से आपने इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेना है ओके okay, स्टूडेंट्स तो ये था हमारा लेटर एस और व्हाट इज द साउंड ऑफ एस That's राइट right. अब आपने इसका साउंड याद रखना है यानी करेक्ट साउंड याद रखना है आपने इसको सा नहीं कहना और एस से यानी लेटर ऐसे बनने वाले जितने भी वर्ड्स हैं आपने उनको आइडेंटिफाई करना है और ढूंढना है कि ऐसे और क्या कुछ बनता है और आपने इन टू पेजेस को यानी ट्रेसिंग को और एक्टिविटी को किसी की हेल्प से कंप्लीट कर लेना है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो अल्लाह हाफिज